पहले की गरीबों की मदद, अब गायों के लिए खोल रहे हैं शिविर। अकाल में नहीं होने देंगे चारे की कमी, कहा मंत्री सालेह मोहम्मद ने। अल्पसंख्यक मामलात वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि गत भाजपा सरकार की ओर से पशु शिविर, चारा डिपो, गौशाला खोलने को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 5 वर्षों तक अकाल की स्थिति में कई पशुओं की मौत हुई और पशुपालकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की महामारी के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से पहले सभी गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन सामग्री का वितरण किया गया। भामाशाहों ने भी आगे आकर उनकी मदद की। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशु शिविर व चारा डिपो खोलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि अकाल व लॉकडाउन के दौरान पशुओं के लिए चारे की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को पशु शिविर व चारा डिपो खोलने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समिति, गौशाला व दुग्ध उत्पादन समितियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन करने पर उन्हें पशु शिविर की स्वीकृति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक पोकरण क्षेत्र में 3 दर्जन से अधिक पशु शिविर स्वीकृत कर शुरू कर दिए गए हैं तथा आवेदन मिलने पर उन्हें स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि चारे की कमी से किसी भी पशु की मौत नहीं होने दी जाएगी। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला कलेक्टर को वीसी के जरिए निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पशु चारे की ज़रूरत है, पशुधन बचाना सबसे पहली सरकार की प्राथमिकता भी है। और पिछली बार भी आपने देखा, सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने तमाम गौशालाओं का अनुदान बढ़ा दिया था, पशु डिपो खोल दिए थे, चारा डिपो, पशुधन के शिविर खोल दिए थे। और अभी वापस सबसे पहले कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, एक तो पीने के पानी को अच्छी स्थिति की जाए, कंटीजेंसी प्लान जल्दी लागू किया जाए, हर असेंबली के अंदर 25-25 लाख रुपए एमएलए के क्षेत्र में दिए, और सभी ग्राम पंचायत स्तर और गांव स्तर पर वहां की ग्राम पंचायत हो, चाहे जीएसएस हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, दुग्ध उत्पादन समितियां हो, उनके जरिए यहां के पशुधन बचाने के लिए चारा डिपो, पशु शिविर और गौशालाएं सब शुरू करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए। और यहां काफ़ी ग्राम पंचायतों में पशु शिविर, चारा डिपो खुल भी गए, मैंने खुद देखा है, काफ़ी जगह वहाँ के लोगों ने शिविरों का काम शुरू भी कर दिया है। तो सरकार चाहती भी है मुख्यमंत्री जी कि यहाँ की जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की ये रिपोर्ट। अब खंडवा में कोर्ट कोरोना की चपेट में। खंडवा में 2 जजों के कोरोना पीड़ित होने के बाद तमाम जज होम क्वारंटीन में और कोर्ट में कामकाज ठप। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ कोरोना का हॉटस्पॉट बना खंडवा में कोरोना संक्रमण में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी अपनी जद में ले लिया है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज और उनकी पत्नी के साथ ही एक एडीजे के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सभी न्यायाधीशों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके चलते कोर्ट का सारा कामकाज ठप हो गया है। जबलपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने आज एक आदेश जारी कर खंडवा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज का अस्थायी प्रभार बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जज को और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रभार हरसूद के सीजेएम को सौंप दिया है। हम आपको बता दें, यहाँ 86 न्यायिक अधिकारीगण, उनके परिवारजन और कर्मचारियों की कोरोना सैंपलिंग हुई है और उसके बाद उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज आदेश जारी कर ये स्पष्ट किया है कि न्यायिक अधिकारियों के निवास क्षेत्र को कलेक्टर द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है, अतः न्यायिक अधिकारी 14 दिनों तक न्यायपालिका में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। जबलपुर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर बुरहानपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र एस पाटीदार को खंडवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से सौंपा है। इसी तरह न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हरसूद श्रीमती सीता कनोजे को खंडवा में पदस्थ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के क्वारंटीन अवधि पूर्ण कर लौटने तक अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आदेश में स्पष्ट है कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते खंडवा मुख्यालय पर कोई भी न्यायाधीश कार्य पर उपलब्ध न होने के कारण आगामी आदेश तक ये व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की गई है। जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने बताया कि अब जो भी सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हीं दोनों न्यायिक अधिकारियों के समक्ष हो सकेगी और न्यायालय में अब
30% के करीब ही कर्मचारी उपस्थित हो सकेंगे जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी। देखिए बताना चाहूंगा, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायालय अपना काम सुचारू रूप से चल रहे थे। वहां पर जितने भी जरूरी मामले थे उसकी सुनवाई दिन प्रतिदिन हो रही थी और ये सब सुनवाई ऑनलाइन के माध्यम से होती है। अभी ये हुआ है कि हमारे जिले के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश संक्रमित पाए गए हैं और उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन चूंकि न्यायिक व्यवस्था के कारण सभी न्यायिक अधिकारियों ने अपना टेस्ट कराया था, कुछ कर्मचारियों ने टेस्ट कराया था, तो उन्होंने COVID-19 की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने अपना सेल्फ आइसोलेशन कर रखा है। इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय का नया आदेश आया है कि जो यहाँ पर न्यायिक अधिकारी चूंकि सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं है, तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के जो मामले जिनमें सुनवाई अर्जेंट सुनवाई होनी है तो वो हरसूद के न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगे। और चूंकि यहाँ पर जिले में अभी चूंकि इन परिस्थितियों के चलते कोई सेशन न्यायाधीश नहीं है, इसलिए बुरहानपुर के सेशन जज साहब, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब को सुनवाई के लिए उनको पावर डेलीगेट किए गए हैं। लेकिन जितने भी जो मामले हैं, जो मामले सुने जाने हैं, वो मामले की सुनवाई के लिए यहीं न्यायालय में प्रस्तुत होंगे और ईमेल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बुरहानपुर सेशन जज साहब को ट्रांसफर किया जाएगा और सब ये सारी जो भी सुनवाई होगी सब ये ऑनलाइन होगी। और न्यायालय बंद नहीं हुआ है, ना न्यायालय को कंटेनमेंट घोषित किया गया है। कर्मचारी न्यायालय आएंगे और सारी जो व्यवस्था है वैसे होगी। केवल अधिकारी उपलब्ध नहीं होने वजह से जो भी वहां से आदेश होने हैं, निर्णय होना है या जो भी उस पर आगे की प्रक्रिया फॉलो करनी है, वो केवल आदेश हरसूद के न्यायिक अधिकारी और बुरहानपुर के न्यायिक अधिकारी। प्रदेश से मनीष गुप्ता की ये रिपोर्ट। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे हरियाणा के अंबाला कैंट में, जहां के एकता विहार चौक पर कोरोना पॉजिटिव मुस्ताक नाई की दुकान सील कर दी गई और पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।